हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। अभी इसकी वैकेंसी जो है हमने पहले ही अपने चैनल में अपलोड कर दिया था। अब जो है इसका एग्जामिनेशन पैटर्न जो इसका एग्ज़ाम है वो आने वाला है, तो इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर बात करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट की ये कमेंट्स थे कि इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा बताएँ, तो मैं यहाँ पर जो है आप इसके रिगार्डिंग मैं बात करूँगा। तो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसमें जो है CIAL आता है। CIAL का फुल फॉर्म है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ पे सैलरी जो है 55,000 थी और यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकता था। जूनियर असिस्टेंट के लिए वैकेंसीज थी। तो दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट के ये भी कमेंट है कि क्या हमें एग्ज़ाम के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स यहाँ पे कम है, और ये जिसका एग्जामिनेशन लोकेशन है, जो जॉब लोकेशन है, वो आपका केरल जाने की कोची में पड़ता है। तो इसके रिगार्डिंग हमें आप बात करेंगे कि क्या आपका यहाँ पे फ्यूचर भी रह सकता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है या करेंट अफेयर की वीडियोज़ या PDF आपको चाहिए, तो आप जो है हमारी वेबसाइट www.quicktechdev.com पे जा सकते हैं, जहाँ पे आप इजीली जो है फॉर्म को फिलअप करने के साथ साथ जो है मंथली जो करेंट अफेयर है उसके PDF और मॉक टेस्ट फ्री में पा सकते हैं। तो दोस्तों quicktechdev.com पे जाना ना भूलें। अब दोस्तों बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा पहले मैं आपको एग्जामिनेशन पैटर्न और थोड़ा सिलेबस बताऊंगा, इसके बाद आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्या कंपटीशन लेवल रहेगा, ये सारी चीज़ें हम जो डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो आपका पेपर होगा जूनियर असिस्टेंट के लिए जो वैकेंसी आ रखी थी, तो आप सभी को मालूम है जूनियर असिस्टेंट की जो है यहाँ पे टोटल जो 7 वैकेंसी थी। जी हाँ दोस्तों, टोटल जो है 7 वैकेंसी थी। सैलरी वगैरह आप सारी चीज़ें आपको मालूम है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर हमने डिटेल में बात किया है सैलरी की रिगार्डिंग और भी बाकी इन्फॉर्मेशन की रिगार्डिंग। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो एग्जामिनेशन पैटर्न है 90 मिनट का जो है आपका यहाँ पेपर होगा दोस्तों, जिसमें आपके एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस जो है दोस्तों यहाँ पे पूछे जाएंगे। टोटल जो क्वेश्चंस होगा दोस्तों इन सभी का मिला के 100 क्वेश्चंस जो है यहाँ पे पूछे जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों ये नहीं स्पेसिफाई किया गया है कि पर्टिकुलर सेक्शन से, जैसे एप्टीट्यूड से, रीजनिंग से, इंग्लिश से और या फिर GA से कितने क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे। तो आप उसके लिए मतलब ज़्यादा कन्फ्यूजन मत रखिए। यहाँ पे जो है इक्वल नंबर ऑफ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि 25 क्वेश्चंस सब एप्टीट्यूड के, रीजनिंग के, इंग्लिश के और GA के जो है पूछे जाएंगे। और लेवल जो एग्जामिनेशन का जो लेवल होगा दोस्तों वो ज़्यादा टफ नहीं होगा। ये हो सकता है कि कट ऑफ जो है ज़्यादा जाए, हालांकि 7 सीट है लेकिन नंबर ऑफ़ कैंडिडेट उतने ही बैठेंगे जितने नॉर्मल एग्ज़ाम में बैठते हैं। आप ये कभी मत सोचिएगा कि यहाँ पे कम वैकेंसी है तो कम कंपटीशन होगा। हाँ कंपटीशन कम होगा, लेकिन जितनी वैकेंसी है आप उसके हिसाब से अगर देखो तो उतने कैंडिडेट ज़रूर आएंगे। आप उसके बारे में मत सोचिए, आप जो है अपना एग्ज़ाम दीजिए। अब हम बात करते हैं थोड़ा सिलेबस के बारे में, क्या क्या थोड़ा पढ़ के जाना चाहिए। देखिए जो आपका एप्टीट्यूड रहेगा उसमें अर्थमेटिक पूछी जाएगी। जी हाँ, अर्थमेटिक बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, देन डिस्काउंट, देन आपका वर्क एंड जो टाइम होता है, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, ये वाला क्वेश्चन जिसमें बोर्ड वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, SCF LCF, नंबर सिस्टम, ये अर्थमेटिक मैथ जो है यहाँ पे पूछी जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री और जियोमेट्री के क्वेश्चन नहीं होंगे, ये होगा मैथ से सिलेबस। देन दोस्तों GK या फिर जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो देखिए GK में जो है करंट अफेयर से भी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जी हाँ, करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको पिछले इस महीने से यानी कि जनवरी से लेके फेब तक जितने करंट अफेयर आपके हो सकते हैं, हालांकि करंट अफेयर से 5-6 क्वेश्चंस जो है पूछ सकते हैं। तो आप जो है इसके लिए भी प्रिपेयर रहिए कि आप ये मत सोचिए कि आपको सिर्फ हिस्ट्री, सिविक्स और ये सारी चीज़ें पूछाएंगी, करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो 5-6 क्वेश्चंस जो है यहाँ पे बनेंगे। जनरल साइंस के भी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे बनेंगे। जनरल साइंस के लिए आप हमारे वीडियो को प्रीफर कर सकते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। देन दोस्तों इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश का देखिए यहाँ पे जो इंग्लिश का सेक्शन होगा दोस्तों ये थोड़ा सा अच्छा सेक्शन यहाँ पे पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा इंग्लिश का सेक्शन थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो यहाँ पे जो है आपको कम्प्रिहेंशन मिलेगा, देन यहाँ पे एरर स्पॉटिंग मिलेगा आपको, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, idiom एंड फ्रेजेस भी आपको मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें के लिए आप रेडी है। हालांकि अगर आप देखोगे तो जो सिलेबस रहेगा वो SSC का ही जो है CGL वगैरह वही सिलेबस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुएट कैंडिडेट जो है एलिजिबल है, लेकिन उससे जो पेपर है वो थोड़ा सा आपका टफनेस जो है कम होगा।
अब हम बात करते हैं रीजनिंग के लिए। तो देखिए रीजनिंग के लिए जो है यहाँ पे दोस्तों वर्बल और नॉन वर्बल दोनों क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे, लेकिन मोस्टली जो आपका यहाँ पे जैसे थोड़ा सा मैं बता दूँ, जैसे कि आपका डायरेक्शन से, रिलेशन से, और एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का आता है जिसमें आपको सिक्वेंस फाइट करना रहता है, ऑड मैन आउट के क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका वेन डायग्राम से भी बन सकता है। तो ये जो रीजनिंग से सेक्शन है वो भी आपका जो लगभग सिलेबस होगा वो SSC CGL से मैच खाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं एक शॉर्ट में समरी में कहूँ तो आपको जो है SSC का जो सिलेबस होता है उसे फॉलोअप करके जाना है, लेवल जो है उससे थोड़ा सा कम होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि बहुत से कैंडिडेट की जैसे कि वो सोच रहे थे कि क्या एग्ज़ाम देना चाहिए। जैसा कि आप सभी को मालूम है इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर है दोस्तों आपका कोचीन में होगा। जी हाँ, कोचीन में जो है इसका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। कोचीन जो है आपका केरल में पड़ता है, तो केरल में जो यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। अगर मैं बात करूँ कितने कैंडिडेट जो हैं इस एग्ज़ाम के लिए आ सकते हैं और कितने ने अप्लाई किया है, तो अभी इसका एक मैं अप्रॉक्स डाटा बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे हालांकि जूनियर असिस्टेंट के लिए 7 वैकेंसीज हैं, तो इसके लिए आप मान के चलिए एक कैंडिडेट के पीछे लगभग 10 बच्चे जो होंगे एक कैंडिडेट के पीछे, मतलब एक पोस्ट के लिए 10 बच्चे को जो है सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, एक पोस्ट के लिए यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो इंटरव्यू भी होगा ना यहाँ पे, तो आपको जो है इंटरव्यू के लिए लगभग जो है अप्रॉक्स मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 70 कैंडिडेट को जो है सेलेक्ट किया जा सकता है। तो कंपटीशन लेवल तो है दोस्तों, अगर आप तैयारी किए हुए हैं तो आपको मेरे हिसाब से ज्वाइन इसे करना चाहिए, एग्ज़ाम देना चाहिए। देन अब थोड़ा सा यहाँ पे हम फ्यूचर के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या फ्यूचर एक्सपेक्ट रहेगा। तो देखिए इनिशियली जो है आपको, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, इनिशियली जो है आपको 16 से लेकर 18 हज़ार सैलरी आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। इनिशियली 2 साल जो है आपको इतनी सैलरी जो है दी जाएगी। इसके बाद जो है आपको 55,000 जो है यहाँ पे सैलरी होगी। दोस्तों इसका जॉब लोकेशन है आपका फॉरेन कंट्रीज़ में भी हो सकता है, और बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ में भी हैं। तो मतलब आपका जो स्टेटस है और यहाँ पे जो फ्यूचर है काफ़ी ब्राइट भी है। तो दोस्तों अगर आप ये कन्फ्यूजन में हैं कि आपको ये बहुत दूर है, आप दूसरे स्टेट के हैं तो आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को एग्ज़ाम देने जाना चाहिए। ठीक है, कंपटीशन लेवल जो है नॉर्मल रहेगा, कट ऑफ थोड़ा हाई रहेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तभी जो है आप यहाँ पे कॉन्फिडेंस से जा सकते हैं, और जितना आप मैक्सिमम गेन कर सकते हैं मार्क्स, जैसे आप मान लीजिए 100 मार्क्स का है तो आपको आपकी कोशिश जो है आपकी यहाँ पे 95 प्लस रहनी चाहिए। जी हाँ, 95 प्लस की आपकी कोशिश रहनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपकी 95 प्लस की कोशिश है, उसमें भी कट फिट के अगर आपका जो है 85 प्लस आता है, तो आप जो है थोड़ा सा सिक्योर फील कर सकते हैं अपने आप को, क्योंकि इसके बाद जो है इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू के रिगार्डिंग अगर हम इसमें दोस्तों बात किया जाए, क्या इंटरव्यू वगैरह मतलब क्या कुछ रहेगा, तो देखिए इंटरव्यू में देखिए आपका जो है पर्सनल स्किल देखा जाएगा। ठीक है, पर्सनल स्किल देखा जाएगा। पर्सनल स्किल में जो है आपका इंग्लिश जो है, इंग्लिश की बोलने की तरीका और ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी, तो आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। आप अभी जो है फोकस एग्ज़ाम पे कीजिए। ठीक है, तो आप जो है एग्ज़ाम ज़रूर देने चाहिए, और एग्ज़ाम देने के बाद जो है दोस्तों आप हमें जो है कॉन्टैक्ट करना या फिर कमेंट करना ना भूलें। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके साथ साथ चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड हैं दोस्तों, तो उन सारे वीडियोस को देखना आप ना भूलें। और दोस्तों जितना हो सके आप जो है अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए इस वीडियो को, और आप जो है हमारी वेबसाइट पर भी quicktechdev.com पर जा सकते हैं। जी हाँ, quicktechdev.com। इस वेबसाइट पर जाना ना भूलें, और यहाँ पे जो है आपको हर दिन जो है नई नई जॉब्स जो है आपको दी मिलती है। इसके साथ साथ जो है करंट अफेयर के वीडियोस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। दोस्तों जितना हो सके आप चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्त में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करके बताएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।